और सबसे पहले बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आज न्यू लुक आपका दिखाई दे रहा है, मतलब ऑफ छुट्टी है मतलब आज। कभी कभी तो कस्तूरी के लुक से बाहर आती हूँ तो फाइनली मैं अपने खुद के लुक को भी इंजॉय कर रही हूँ आज और अच्छा लग रहा है काफी। आप न्यू लुक में यंग दिख रही है। मैं यंग ही हूँ बट सारी एक अलग होता है जब आप नहीं। आई टेल यू व्हाट, कस्तूरी का एक लुक ऐसा है जो अपने आप में बहुत ही जेन्युइनली लोगों को बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब हमने लीप के पहले भी जब कस्तूरी का लुक रखा था इट वाज क्वाइट डिफरेंट एंड जेन्युइनली बहुत वाइब्रेंट लुक है। और जो अभी भी लुक अगर हम देखेंगे लोग, आपका ये कहना है कि यंग लग रही बट मुझे आई फील यंग इन दैट लुक एज वेल। साड़ी वाला और यहाँ पर आप अलग ही कुछ एक ऑरा दिख रहा है बॉलीवुड टाइप। वो तो देखिए होता है ना, सब अलग दिखते हैं अपने कैरेक्टर से। जब हम अलग ड्रेसअप होते हैं तो हम अलग ही दिखते हैं सब लोग। सो यस, आई एम एंजॉयिंग दिस लुक एज वेल एंड कस्तूरी का लुक तो मुझे पसंद है ही। 100 एपिसोड हो चुके हैं, बहुत ही माइलस्टोन अचीवमेंट है क्योंकि आजकल शो हम देखते हैं कि 100 एपिसोड भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं शो का पार्ट हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त शो है। एक अलग ही मतलब कह सकते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट है, लोगों को बहुत पसंद आती है। और जब आपके 100 एपिसोड्स आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो यू जेन्युइनली फील ब्लेस्ड, ग्रेटफुल और ऊपर वाले का थैंक यू कि हम लोग ये कर पाए। और मैं चाहती हूँ कि हम आगे और एपिसोड्स पूरे करें और आप ऐसे ही आके हमारा इंटरव्यू लेते रहें। शो में काफ़ी ट्विस्ट टर्न्स आना चालू हो चुका है, मानव की री एंट्री फिर से हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड बिकॉज जब मानव गए थे तब भी हम लोग बहुत सैड थे कि वो क्यों जा रहे हैं, बट हमें पता था कि कहीं ना कहीं उनकी एंट्री होगी। और जब एंट्री होगी तो वो कहते हैं ना, जब हीरो आता है सीटी और तालियों के साथ स्वागत होता है, तो हम भी उनका स्वागत ऐसे ही करेंगे सीटी और तालियों के साथ। ओके, शो की अगर हम बात करें, शो में काफ़ी हमने देखा है कि जो आपकी जो को-स्टार है काफ़ी मतलब जो डॉटर बनी है उसकी शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए शादियों में तो जनरली गड़बड़ होती है बट यहाँ पर हम लोग जितना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा लोग इन्जॉय करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी ट्रैक जा रहा है फिलहाल बहुत ही मज़ेदार जा रहा है, मसालेदार जा रहा है, लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है और होपफुली हम आगे आप लोगों को मसाला देते रहेंगे। आपके फैंस की तरफ से क्या रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं इंस्टाग्राम में, कुछ अगर आप बता सकें? फैंस तो हमेशा ही बहुत क्लोज होते हैं आपके हार्ट के। हम लोग ये काम, हम लोग जितने भी परफॉर्मेंसेस देते हैं हम लोग फैंस के लिए ही देते हैं बेसिकली। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को मेरा ये किरदार पसंद आ रहा है, मैं पसंद आ रही हूँ एज कस्तूरी। और मेरी परफॉर्मेंस के लिए जब लोग मुझे तारीफ करते हैं, देखिए एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ की जाए। खूबसूरती से ज़्यादा उनको अगर ये कहा जाए कि आप अच्छा काम करते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये हो रहा है। आजकल एक्टिंग के अलावा अगर हम बात करें, रील्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है एक्टर को क्योंकि उनके फॉलोअर्स इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात कितने आप देखते हैं क्योंकि मेन तो कोर एक्टर की एक्टिंग आनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देखें फॉलोअर्स कितने हैं, ये कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगी कि इंस्टाग्राम बहुत ज़रूरी है या फिर इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बहुत ज़रूरी हैं। और नो ऑफेंस टू एनीबडी, जो लोग रील्स बनाते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ में हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं इस पे, लाइक दे जेन्युइनली पुट देयर हार्ट एंड सोल। बट एज एन एक्टर इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। मतलब अगर हम कहें एज एन एक्टर देखा जाए तो हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अपने परफॉर्मेंसेस पे ध्यान देना पड़ता है। एक्टिंग का एक क्राफ्ट होता है जिस पे हमें वर्क करना पड़ता है, तो वो रील और ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस से डेफिनेटली बहुत अलग है। रील 30 सेकेंड्स की होती है, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि लिपसिंग करना पड़ता है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ऐसा कुछ आसान नहीं है। लेकिन डायलॉग्स याद करके परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बट बहुत मज़ा आता है जब व्हेन यू नो योर जॉब यू जेन्युइनली एंजॉय इट। बस ऐसे ही प्यार देते रहो कस्तूरी को भी और हिमानी को भी, और इसी तरह से हमारे शो को भी प्यार दीजिए, हमें भी प्यार दीजिए। और आज हमने 100 एपिसोड पूरे किए हैं, 1000 एपिसोड पूरे करवा दीजिए, 10,000 एपिसोड पूरे करवा दीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू।